बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाले उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं। वैसे घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है जिसकी हम चर्चा किए हैं। केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करो और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। 1,25,444 करोड़ जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 और 2019 में बिहार को टैक्स हस्तांतरण में 107.13% बदलाव आया है, माने 107% से ज़्यादा का बदलाव आया है। इसी अवधि में केंद्र सरकार के ग्रांट इन एड में 119% का बदलाव आया है, यानी 119% का बदलाव ग्रांट इन एड में आया है। 119% का इस बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में दिया गया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में आने के कारण हमेशा समस्याग्रस्त रहता है। उसका समाधान निकले इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद की गई है। कोसी मेजी इंटर स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए भी इसमें सर्वे का प्रावधान किया गया है। अब बिहार को 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की। यह पैसा क्या है, ब्याज मुक्त रहने का मतलब कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। और पहले जो व्यवस्था थी कि केंद्र राज्यों को जो अतिरिक्त पैसा देती थी सहयोग में उसका भी ब्याज लेती थी, अब कोई ब्याज नहीं लगेगा और बिहार को 12,000 से 15,000 करोड़ उनको मिलेंगे। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण जो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा,
इसके लिए 1,121 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस बजट में स्पष्ट रूप से है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी की ओर से जो बजट 2024 में दिया गया उसमें देश की तरक्की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है और विकास के भगीरथ है। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के और बिहार के कोने कोने, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और जो केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, उस पैसे से बिहार तरक्की करेगा। विकास होना ही होना है। विकास की ढोंग रचने वाले बिहार में जंगल राज स्थापित कर फिर जंगल राज लाने की सपना देखने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और उनकी गोद में बैठी हुई पता ही नहीं चलता है कि संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे उनमें उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली, उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं। तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं, वैसे गोद में बैठे हैं। तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है।